नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद हापुड़ के गांव सावी हिमायूपुर में नवनियुक्त प्रधान धीरज सिरोही ने गांव के एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद राजेंद्र अग्रवाल व जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र व सदर विधायक विजय पाल आरती और हापुड़ नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत ने फीता काट कर टीकाकरण का शुभारम्भ किया। आपको बता दें कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि संक्रमण गांव की तरफ फैला हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा भी है कि गांव के अंदर सघन चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग कराएंगे, वैक्सीनेशन का इंतजाम करेंगे ताकि संक्रमण घातक सीमा तक ना फैल सके। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। ग्राम सानवी हिमायूपुर के नौजवान व नवनियुक्त प्रधान धीरज सिरोही को उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और आज गांव के अंदर वैक्सीनेशन का काम शुरू कराया। अधिकारियों से मिलकर और गांव के अंदर और आसपास के गांव के लोग भी वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का काम किया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मैंने लोगों से निवेदन भी किया है कि दूरी बनाकर रखना है, मास्क लगाकर रखना है और हाथों को सैनिटाइज करना है, साथ ही सावधानियां भी बरतनी है। लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। ग्राम प्रधान धीरज के सहयोगी के रूप में हमारे विधायक चेयरमैन अन्य पदाधिकारी साथ खड़े रहेंगे। वहीं ग्राम प्रधान धीरज सिरोही ने बताया कि गांव में भी काफी लोग टीकाकरण कराने के लिए जागरूक है। लोगों को हमने ज्यादा जागरूक किया है। टीकाकरण को लेकर अभी सुबह का समय 20 से 25 लोग टीका लगवा चुके हैं और शाम तक 200 से अधिक लोगों को टीकाकरण हो जाएगा। वहीं हरिराज सिंह चौधरी जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन ने ग्राम प्रधान धीरज सिरोही को गांव में वैक्सीनेशन जैसी पहल को लेकर बहुत बहुत बधाई दी। मैं सबसे पहले तो जो सामई और हिमापुर के नवनियुक्त प्रधान है धीरज जी, इनको बधाई देना चाहता हूँ। इनके साथ साथ जो ये व्यवस्था गाँव में कराई है, हमारे साथ डिप्टी सी एम ओ आदरणीय खत्री जी बैठे हैं, इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने गांव वालों को जागरूक करने के लिए, वो मोदी जी ने कहा है कि गांव गांव तक इसे जानी चाहिए। आज स्वयं ये पूरे वैक्सीनेशन को लेकर गांव में आए हैं ये, और ये बड़ी अच्छी पहल है। देखिए, कोरोना की महामारी बहुत ही खतरनाक महामारी है, और जो गाँव में भी काफ़ी लोग टीका कराने के लिए काफ़ी जागरूक हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ 20 से 25 लोगों ने ऑलरेडी करा चुके हैं अभी। और जो हमारा टारगेट है कि दोनों गांवों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो पाएंगे सबको टीकाकरण करा दिया जाएगा। देखिए, ये बात ध्यान में आ रही थी कि संक्रमण गांवों की तरफ गया है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात को कहा भी कि गांवों के अंदर सघन हम लोग चेकिंग कराएंगे, टेस्टिंग कराएंगे और वैक्सीनेशन का इंतजाम करेंगे ताकि संक्रमण जो है घातक सीमा तक ना फैल सके। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि हमारे जो यहाँ के प्रधान है हुमायूंपुर सामी के नौजवान प्रधान हमारे धीरज, उन्होंने ये बड़ी अच्छी पहल की यहाँ पर, और आज गांव के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित कराया अधिकारियों से मिलकर के। और स्वाभाविक रूप से ऐसे काम के अंदर उपस्थित रहना एक अच्छी बात होती है, मुझे भी अच्छा लगा। हमारे विधायक जी भी यहाँ पर हैं, हमारे चौधरी हरिराज सिंह जी जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, और भी हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो सब यहाँ पर हैं, मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी हैं। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में 564 में से 261 निर्वाचित ग्राम प्रधान आज और कल दो दिनों में शपथ लेंगे। आज पहली बार सामूहिक समारोह की जगह ग्राम पंचायतों में ही प्रधानों ने वर्चुअल तरीके से शपथ ली। जिले के 9 ब्लॉक है, इसके लिए ग्राम पंचायतवार अलग अलग समय तक किया गया है, कहीं सुबह 11 बजे तो कहीं शाम को 4 बजे शपथ लेंगे। बीडीओ और तहसीलदार तय समय पर अपने कार्यालय में बैठकर शपथ दिला रहे। कोविड नियमों के साथ साथ शांति व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है, जिसके चलते प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक दरोगा और एक सिपाही की नियुक्ति की गई है ताकि वे शपथ के बाद प्रधान को सुरक्षित उसके घर तक छोड़कर आए, ताकि किसी भी प्रकार का जुलूस या शोर शराबा ना हो पाए। प्रधानों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह वर्चुअल किया गया है मोबाइल के माध्यम से, जूम मीटिंग पर। इसमें विकासखंड सुखाबाद में 16 ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण का समारोह सम्पन्न हुआ है।
जिसमें से 11 बजे से आमरी, जहांगीरपुर, गैलरी, नगला बलुआ, करणपुर, हरगनपुर, सारूपुर, नगला बाजदार, वासदेवमई, आसदेवमई, नूरपुर और बूढ़ा भरतरा, इनमें 11 बजे से किया गया था। 1 बजे से मोहम्मदपुर अहीर, हैबतपुर करखा, गोविंदपुर, दखनारा, चितावली, इनमें किया गया और 3 बजे से रहचिटी में इनमें संपन्न हुआ है। कुल सुखोबाद विकासखंड की 16 ग्राम पंचायतों में संपन्न। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 वर्षीय बालिका हैवानियत का शिकार हो गई। 20 वर्षीय दुष्कर्मी ने बालिका को टीवी देखने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार को थाना क्षेत्र में एक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब काना नामक युवक ने एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। बालिका के शरीर से रक्त बहने पर रक्तरंजित अवस्था में चीखती पुकारती बालिका अपने घर पर पहुंची। बालिका ने अपनी मां को बताया तो मां गस खाकर जमीन पर गिर पड़ी। परिजन ग्रामीणों के साथ पीड़िता को गंभीर अवस्था में थाने लेकर पहुंची। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस पीड़िता के परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में जुटी है। घटना के बाद पीड़िता को पुलिस ने 1 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। रक्तरंजित अवस्था में दुष्कर्म पीड़िता थाने में तड़पती रही। युवक ने अपने ताऊ पदम के घर के कमरे में बालिका के साथ टीवी दिखाने के बहाने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल जिस समय वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया उस समय ताऊ के घर में कई महिलाएं मौजूद थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुष्कर्म के बाद बालिका उस घर से निकली तो उसके गुप्तांगों से रक्त बह रहा था। बालिका से दुष्कर्म की सूचना से प्रशासन भी हड़कंप मच गया है। SSP ने वारदात की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा। वहां से फॉरेंसिक टीम ने दुष्कर्म के कई अहम साक्ष्य जुटाए। टीम ने घटनास्थल ताऊ के मकान के कमरे में पड़े बेड से लाल रंग व काले कलर के 2 कपड़े, ब्लेड से सने कब्जे भी लिए हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण करने के लिए भेज दिया है। बालिका की तबीयत सामान्य है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हो गई? मेरी लड़की एक पड़ोसी के घर में टीवी देखने गई थी। उसमें मतलब ये सब लोग बैठे थे तो किसी कारण सब निकले आए तो मेरी लड़की और एक लड़का रह जाता है उसमें। मतलब एक मेरी लड़की, कितने साल की लड़की है आपकी? लड़की है 7 साल की। 7 साल की लड़का? लड़का ऐसा है 19-20 साल का। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम थाना। अरे पूरा नाम क्या है लड़के का? थाना ही नाम है। अब थाने आए हो, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? 112 पे सूचना दी आपने? पहले पहले दी थी। पुलिस पहुंची? पुलिस वहाँ पर पीछे दी थी, पीछे पहुंची है। अब आप थाने आए हो, आपने तहरीर दी है? फिर क्या कहा है पुलिस ने? गई पुलिस को पहले। पुलिस गई है गांव में? गई है। और लड़की? लड़की का मेडिकल कराया? मेडिकल कराना है जी। अभी कराना है? अभी कराओगे? अभी हुआ नहीं है। क्या घटना हुई? क्यों खड़े थाने? थाने खड़े पे 6 साल की लड़की बलात्कार हो गया है। आरोपी क्या नाम है? लड़का का नाम काना है। कहाँ की घटना है? जो लेंदी की। अच्छा, लड़की की उम्र कितनी है? करीब 6 वर्ष। क्या भाई की घटना है? क्या स्थिति लड़की की? आप लड़की भीतर है, देखी नहीं है अभी हमने। लड़की की हालत गंभीर है। मुकदमा दर्ज हो गया? अभी नहीं हुआ, बैठे हुए। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस अभी गई है, अभी थाने से गाड़ी गई है। बाल करीब घटना है, करीब 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया घटना में। आज थाना गोवर्धन में एक बालिका के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। इस संबंध में तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। शीघ्र ही साथ संकलन करते हुए कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण में मरीजों का हमदर्द बनकर सेवा कर रही अनमोल मुस्कान सोसाइटी टीम को बॉलीवुड अभिनेता विनय शर्मा ने दी शुभकामनाएं एवं बधाई। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विनय शर्मा फिल्मी दुनिया में बड़े पर्दे पर सिंघम, दिलवाले और क्रिश जैसे सुपरहिट फिल्मों में अपना अभिनय किरदार निभा चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब घमासान.com की टीम ने अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर मुस्कान भारती के द्वारा कोविड मरीजों की सहायता के लिए किए जा रहे
जन सम्मान सेवा के कार्यों से अवगत कराया तो समाज सेवा के कार्यों से अभिनेता विनीत शर्मा बेहद प्रभावित होकर उन्होंने अपनी तरफ से मुस्कान भारतीय फैनबॉल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी टीम के लिए वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई भेजकर टीम का मनोबल एवं हौसला अफजाई का जज्बा मिला है। अभिनेता विनीत शर्मा की ओर से प्रेषित शुभकामनाओं पर मुस्कान भारती ने अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आभार माना है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हमें बहुत सी सीख दी है और देश काल की सरकारी व्यवस्थाओं को भी ये बता दिया है कि महामारी से लड़ने के लिए आप तैयार नहीं थे। विश्व के साथ भारत भी कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस जंग के दूसरे प्रभाव में हम समाजसेवी संगठनों के सहयोग से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात जरूर है कि इस जंग में हमने बहुत कुछ खोया है। कई परिवारों में मातम पसरा है, आर्थिक रूप से हम टूट से गए हैं। बावजूद इसके हम फिर से पूरी क्षमता के साथ खड़े होंगे, ऐसी उम्मीद हमें करना चाहिए। कोरोना जब पीक पर रहा तब अस्पतालों में कई प्रकार की कमियां महसूस की गई। इंदौर की बात करें तो आसपास के जिलों से कई सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज रेफर होकर उपचार कराने को इंदौर पहुंचते थे। हालत इतनी बदतर हो गए थे के अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं थे। जिन मरीजों को अस्पताल में बेड मिल गए थे उनको ऑक्सीजन और इंजेक्शन के अभाव में कई दिनों तक मौतों का सिलसिला चलता रहा। उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए रात दिन अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर मुस्कान भारतीय अंजना खंडेलवाल व अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के साथी जुटे रहे हैं कोरोना प्रभावितों की मदद के लिए। किसी की सांसों का सिलसिला रुके नहीं, किसी को नाउम्मीदी के काले बादल घेरे नहीं, कोई खुद को अकेला बेसहारा समझे नहीं, कोई पैसे की कमी से हारे नहीं, कोई भूख को मारकर सोए नहीं, अपनी नींद भूख प्यास चैन और आराम सब छोड़कर काम करे है। लक्ष्य है केवल एक, कोरोना से जूझ रहे जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना। संस्था के तकरीबन 500 वॉलंटियर्स बिना डरे इस सेवा कार्य में संलग्न है। फिर चाहे किसी को दवा या इंजेक्शन पहुंचाना हो, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना हो या ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाना हो, प्रयास है कि हर कॉल करने वालों की समस्या दूर की जा सके। अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी स्वसंचालित व स्ववित्त पोषित संस्था है। गत वर्ष से लगातार सेवा कार्य करी है। अंजना खंडेलवाल मुस्कान भारती ने अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं शुभचिंतकों एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुभकामनाएं मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद स्वरूप समस्त स्नेहियों की आभार माना है। नमस्कार, मुस्कान भारतीय जी, मैं विनीत शर्मा। मुझे पता चला कि आप ऐसे कठिन समय में कोविड पेशेंट की सहायता कर रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका ये सहायता का सिलसिला आगे भी चलता रहे और भगवान आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करे कि आप जो ये कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में। ये अच्छे अच्छे नहीं कर पाते जो आप कर रहे हो, तो भगवान आपको हिम्मत दे और ताकत दे ताकि आप और लोगों की भी मदद कर सकें। और मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके लिए, मेरे लिए, मेरी तरफ से बहुत गुड विशेज है। सो गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। आप अपना भी ख्याल रखें दूसरों के साथ साथ, क्योंकि आप अगर अच्छे रहेंगे तो आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो आपका सिलसिला हमेशा चलता रहे और लोगों के आप काम आ सके। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप इस मिशन में रुके नहीं। सो गॉड ब्लेस यू। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। स्वयंसेवी वॉलंटियर्स ने क्षेत्रीय विधायक एवं प्रशासनिक अमरे के साथ मास्क सैनिटाइजर वितरण किया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से लोग परेशान हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा गया है। कहते हैं मानव की सेवा ही परमात्मा की सेवा होती है। इस वक्त देश कोरोना का संकट है। संकट की इस घड़ी में आम से लेकर खास तक सभी अपना फर्ज निभा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल के सहयोग से एमबीएम क्लब के अध्यक्ष शुभम अग्रवाल व स्वयंसेवी वॉलंटियर्स ऋषभ बंसल, फिरोज खान, गजानन सोलंकी, संदीप कामले, पीयूष यादव, प्रेम वर्मा, परमानंद परमार, देवेंद्र परमार, कपिल परमार, आनंद मोरी, मोहित यादव,
शुभम पंडा, राजा खान, ऋतिक बसवार, अमन गुजर, नीरज गुजर, सोनू जाट, अमन पठान, सलमान खान, शाहबाज खान आदि समाज सेवी वॉलंटियर्स व प्रशासनिक अमले के साथ कनौत के मुख्य मार्ग व नगर परिषद चौराहा, राजवाड़ा चौक, बस स्टैंड, भारतीय स्टेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के शाखा परिसर में ग्राहकों के हुजूम में जगह सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। गौरतलब रहे कि स्वयंसेवी वॉलंटियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर समाज सेवा की भावना कोरोना संक्रमण में हर दिन भीषण गर्मी में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र के प्रमुख कमल सोलंकी द्वारा समस्त स्वयंसेवी वॉलंटियर्स का आभार माना है। बीसीएन न्यूज के लिए देवा से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय दुर्वे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।